सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की बसंत पे पाठ है जहाँ भैया है। ये एक रिपोर्टाज है जिसको लिखा पी साइनराम का। हम इसका यहाँ अनुवाद पढ़ रहे हैं और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि जो पी साइनराम एक पत्रकार है, तो जब वो केरल के कुडुपट्टई जिले में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ साइकिल को एक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, वहाँ की जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं और वो साइकिल को एक मतलब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने बस का प्रतीक नहीं मानती, बल्कि वो कहती है कि साइकिल जो है वो हमें व्यक्तिगत आज़ादी देता है। ठीक है, साइकिल से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। जब उन्होंने एक वहाँ की अगुआ है जो ठीक है साइकिल चलाने वाली अगुआ माने जो पहले साइकिल चलाना सीख ली और उसके बाद फिर वो लोगों को प्रोत्साहित करें साइकिल चलाने, खासकर महिलाओं को, वो महिलाओं को ही प्रोत्साहित करें साइकिल चलाने के लिए, तो उनका कहना है कि साइकिल चलाने से जो है हमारे मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ हैं। ठीक है, समाज में हम दबे कुछ भी नहीं है, महिलाएँ खासकर। ठीक है, महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। ये भी बात है कि जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं तो उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। कैसे कम हो गई? पहले क्या होता था, कोई भी काम रहता था तो घर में अगर है तो भाई के साथ जाना पड़ेगा, भाई को साइकिल चलाना आता है, या पिता को साथ में जाना पड़ेगा। अगर शादी हो गई तो पति को साथ में जाना पड़ेगा, वो अपना काम खुद नहीं कर सकती। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया, ठीक है, तो पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई उनकी, अब अपना काम खुद कर सकती थी। ठीक है, अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है, कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। अब वो कह रहे हैं साइकिल चलाना सीखे तो क्या हुआ, सामान ढोने में आसानी हो गई। ठीक है, और अगर पानी लेने जाना है तो 4 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है, आप पानी लेने जा सकती हैं, और कभी कभी तो साइकिल में अपने बच्चों को बिठा लेती है। अब कोई महिला है, उसका बच्चा छोटा है और उसको बच्चे की देखरेख भी करनी है, घर में कोई नहीं है, उसको पानी लेने जाना है, तो क्या करेगी वो, साइकिल में बच्चे को बैठाने की व्यवस्था बनाएगी। ठीक है, और बच्चे को बिठा के पानी लेने चली जाएगी, बच्चे को देख रेख भी करेगी और पानी भी ला सकती है। ठीक है, और सामान भी ढो सकते हैं उससे आसानी से। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। लेकिन वो कह रही हैं कि लेकिन आप यकीन मानिए, ठीक है, लेकिन आप सच मानिए इस बात को कि जब इन लोगों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किया, जिसको इन्हें झेलना पड़ा। ठीक है, जिसका सामना करना पड़ा। ठीक है, झेलना पड़ा मतलब सामना करना पड़ा। ठीक है, और प्रहार का मतलब क्या है, आघात करना। ठीक है, किस तरह का प्रहार, शब्दों का प्रहार। ठीक है, उनको भले बुरे शब्द कहना, ठीक है, उनके आत्मविश्वास को कमजोर करना, उनको चिढ़ाना, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। गंदी गंदी टिप्पणियां की, जब कोई महिला साइकिल चलाती थी तो गंदी गंदी टिप्पणियां करते थे, ठीक है, स्टेटमेंट देते थे, ठीक है, पप्तियां कसते थे, उनको टांट मारते थे और पता नहीं अपशब्द कहते थे उनको। लेकिन महिलाओं ने साइकिल चलाना बंद नहीं किया और बाद में धीरे धीरे साइकिल चलाने को एक सामाजिक स्वीकृति मिल गई, मतलब समाज ने स्वीकार कर लिया कि हाँ अगर लड़की है तो वो भी साइकिल चला सकती है। और जब ऐसा समाज ने स्वीकार कर लिया तो फिर महिलाएं आगे आईं और साइकिल चलाना सीखने लग गई। ठीक है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। जहाँ साइकिल सिखाई जाती है, ठीक है, चलाना सिखाई जाती है, उसको देखना एक असाधारण अनुभव है। ठीक है, एक शिविर होता है जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, सिखाना। जहाँ साइकिल चलाना सिखाया जाता है, ठीक है, उसको देखना एक असाधारण अनुभव, ठीक है, एक अलग ही अनुभव। कैसे, किला किरीची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आदेश देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता, उन्हें इसे सीखना ही है। वहां जो शिविर लगा हुआ है, तो किला किरीची एक जगह है केरल में, किला किरीची, क्योंकि साउथ में इस तरह के नाम होते हैं, तो बता रहे किला किरीची एक जगह है जहां पर जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो प्रशिक्षण शिविर में उनकी जो तादाद है, ठीक है, उसको देख करके कोई भी व्यक्ति जो है आवेग में आ सकता है। ठीक है, उत्साह से भर जाएगा देखकर कि इतनी सारी महिलाएं हैं, ठीक है, साइकिल चलाना सीखने आई हैं, साइकिल चलाने के लिए सीखने आई हैं,
ठीक है, और उन्हें साइकिल चलाना ही है, चलाना सीखना ही है, ये उत्साह उनके मन में रहता है। तो ऐसा देखकर आप भी बहुत उत्साहित हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आंदोलन का समर्थन है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं साइकिल चलाने के लिए। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। पुरुषों की जो रोजमर्रा घिसी पिटी बातें हुआ करती थी, ठीक है, तो साइकिल से क्या उनको वो बातें सुनने से बचने का मौका मिल जाता है, वो साइकिल चलाने के लिए बाहर चली जाती हैं, सीखने के लिए आ गई तो वो फालतू की बातों से बच जाती है, ठीक है। एक शब्द यहाँ पर आया है दायरा, दायरा का मतलब होता है सीमा। यहाँ पर आप ये शब्द जो है यहाँ पर पाबंदी या प्रतिबंध के रूप में आया है, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा जो उनको दायरा बना दिया गया महिलाओं का कि आप ये नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप ये कर सकती, वो नहीं कर सकती, उनको उस दायरे से बाहर निकलने का मौका मिलता है, ठीक है, जब वो यहाँ साइकिल चलाना सीखने के लिए आती है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, वो बहना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। तो ये जो नव साइकिल चालक है, जो नया साइकिल चलाना भी सीख रही है, ये गाने भी गाती है, ठीक है। और ये गाने किसके लिए, गाने साइकिल सीखने के लिए प्रोत्साहन देने वाले गाने हैं कि आओ साइकिल सीखें, ओ बहना आज सीखें साइकिल चलाना, कि ये बहन आओ हम साइकिल चलाना सीखें और घूमे पहिए समय के पहिए के संग। ये पहिया क्या है, पहिया विकास का प्रतीक है। तो समय के साथ जो पहिया चल रहा है, हम भी समय के साथ चले और अपने आप को विकसित करें, ठीक है, समय के पहिए के साथ हम भी चले साइकिल चला। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। अब जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है, उनमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अभी नया नया साइकिल चलाना सीख रही हैं, उनको भरपूर सहयोग देती हैं, उनको सिखाती हैं, उनकी मदद करती हैं, कहीं उनके लिए कुछ काम करना पड़े तो भी करती हैं कि ठीक है तुम साइकिल चलाना सीख लो, तुम्हारे बदले में ये काम कर देती हूँ, ठीक है। तो वो भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब जो महिलाएं हैं जो पहले सीख चुकी हैं, जो नई महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं, तो उनमें सीखने सिखाने का केवल प्रोत्साहन ही नहीं है, बल्कि उनमें इस बात ये भावना भी है कि आप महिला हैं तो आपको साइकिल चलाना सीखना ही चाहिए, ठीक है, आपको साइकिल चलाना आना ही चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई के तूफान ला दिया। महिलाओं को साइकिल चलाने की तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। 1992 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, उसने पुडुकोट्टई जिले की तस्वीर को बदल दिया, ठीक है, वहाँ के लोगों की सोच और धारणा सबको बदल दिया। क्यों, क्योंकि लगभग 1500 लेडीज जो थी, महिलाएं जो थी, उन्होंने साइकिल ली, उस पर झंडे लगाए और घंटी बजाते हुए उन्होंने रैली निकाल दी पुडुकोट्टई जिले में। और ये देखकर सारे लोग हक्का बक्का, पूरा समाज हक्का बक्का रहेगा कि ये क्या हो गया, महिलाओं ने कैसे तैयारी की होगी इतनी बड़ी। वो संदेश देना चाहती थी समाज को, वहाँ के लोगों को, कि हम अब दबके रहने वाली नहीं हैं, ठीक है, हम अपना जीवन अपने ढंग से जी सकती हैं, ठीक है, हम वो सारे काम कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं और हमें अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है, हमारे अंदर भी आत्मविश्वास है। तो ये एक संदेश था, इस संदेश को पाकर पूरा समाज हक्का बक्का रह गया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय, अभी जो घटना घटी इस पर पुरुषों की क्या राय थी, पुरुष क्या सोचते हैं, ठीक है, इसके पक्ष में आज साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, तो लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया कि ठीक नहीं है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, ठीक है। लेकिन आर साइकिल्स जो है, उस कंपनी के जो मालिक थे, उनको इस बात के पक्ष में रहना था कि नहीं, महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। क्यों रहना था उनको इस पक्ष में, क्योंकि अचानक ही एक साल में इस अकेले डीलर ने यहाँ, डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगे। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी। तो जो आर साइकिल्स के मालिक हैं, उन्होंने इसका पक्ष लिया। क्यों पक्ष लिया, क्योंकि वो अकेले डीलर थे साइकिल्स के, और एक साल के अंदर वो क्या साइकिल की बिक्री की काफ़ी वृद्धि हुई थी, बहुत सारी साइकिल उन्होंने बेची। तो उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़ा है 1500, इसको बहुत कम करके आंका गया है। क्यों आंका गया, उन्होंने कहा कि जो महिलाएं लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती, उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदी। लेडीज साइकिल और जेंट्स साइकिल में अंतर ये होता है कि जो जेंट्स साइकिल होती है उसके बीच में एक पाइप लगा होता है, ठीक है, सीट से और हैंडल तक के बीच में एक पाइप लगा होता है, लेकिन लेडीज साइकिल में ऐसा नहीं होता है। तो लोगों ने केवल लेडीज साइकिल को ही काउंट कर लिया, जेंट्स साइकिल काउंट ही की, जबकि महिलाओं ने जेंट्स साइकिल भी रखी, ठीक है, तो संख्या कहीं और ज़्यादा थी। और
ये जो आर्ट साइकल्स के मालिक हैं उन्होंने बात बड़ी सावधानी से बताई थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है बिक्री कर विभाग का, सेल टैक्स डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति है, ठीक है, कहीं ऐसा ना मुझसे टैक्स वसूलने लग जाए। तो ये बात उन्होंने बड़ी सावधानी से बात कही थी। तो अभी इस भाग में बस इतना ही बच्चों, इसके आगे वाला पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।